फ्रेंड्स, आप सभी को एसएनडी मोटिवेशन चैनल में स्वागत। मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम, सरलता और सहनशीलता। जीवन का अर्थ है विस्तार, विस्तार और प्रेम एक ही चीज है, तो प्यार ही जीवन है। बस इतना ही जीवन का एकमात्र प्रिस्मिकार है। अपना मुंह बंद होने दो, अपना दिल खुला रहने दो। इस देश और पूरे दुनिया को बचाइए। आप में से प्रत्येक को सोचना चाहिए, बोझ आप पर है। वेदांत का प्रकाश घर घर पहुंचाओ। घर घर में वेदांत के आदर्श के अनुसार जीवन का निर्वाण हो। हर आत्मा में निहित ब्रह्मों को जागृत करो। आपकी सफलता की सीमा कुछ भी हो, क्या आपको संतोष होगा कि आप एक महान उद्देश्य के लिए जीते हैं और एक महान उद्देश्य के लिए मरे हैं। जो भी हो, यदि ये महान कार्य पूरा हो जाए तो मानव जाति का सर्वांगीण कल्याण होगा। चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आध्यात्मिक हो, सभी क्षेत्रों में सच्चे कल्याण का एक ही आधार हो। एक ज्ञान है कि मैं और मेरा भाई एक है, ये सभी देशों में सभी देशों के लिए समान रूप से सच है। आँख हमारे पीछे नहीं होता है, आगे है। इसलिए आगे बढ़िए और उस धर्म के उपदेशों को अमल में लाओ जिसे तुम अपना कहने में गर्व महसूस करते हो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। मनुष्य सर्वोच्च जीवित प्राणी है और पृथ्वी सर्वोच्च लोक है। मैं परमेश्वर को मनुष्य से बड़ा नहीं मान सकता, तो हमारा ईश्वर मनुष्य है और मनुष्य भी ईश्वर है। हर मनुष्य को भगवान की नज़र में देखते रहे। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप केवल सेवा कर सकते हैं। भगवान की बच्चे हैं हम। यदि भाग्यशाली है तो स्वयं भगवान की सेवा करें। यदि आप प्रभु की कृपा से उनकी किसी भी संतान की सेवा कर सकते तो आप धन्य होंगे। अपने बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। आप धन्य है कि आपको सेवा करने का अधिकार मिला है, दूसरों को नहीं। पूजा में ये करें, मैं गरीबों में ईश्वर को दर्शन करूं। आपने उद्धार के लिए उनके निकट जाओ और उनकी पूजा करो। ईश्वर उनकी बीच निवास करते हैं। आप सभी को पास महाशक्तियाँ है। नास्तिकों के पास घोड़े का अंडे है। जो मानते हैं वो नायक है। उनकी महाशक्तियाँ विकसित होगी। कोई भी महान कार्य केवल संख्या से पूरा नहीं होता। धन संपत्ति, शक्ति, पांडित्य या वाक्पटुता, इनमें से किसी का भी कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। पवित्र, निर्मल और परानुभूतिपूर्ण महापुरुष संसार के सभी कार्य करते हैं। किसी व्यक्ति के सत्य की ओर आकर्षित होने का कारण ये है कि वो सत्य को समझ नहीं पाता है। इसलिए मिथ्या क्या है, इसे हटाने का एक ही तरीका है कि लोगों को वो दो जो सच है, उसे जानने दो कि सत्य क्या है। उसे अपनी भावनाओं की तुलना सत्य से करने दो। एक बार जब आप उसे सच बता देते हैं तो आपका कार्य समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह और वीडियो पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद। धन्यवाद।